आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। शामली के कांदला थाना क्षेत्र में बिजली न आने के कारण रात में हो रही आपराधिक घटनाओं का मामला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गांव के लोगों ने गड़ी दौलत में एक पंचायत की, जिसमें गांव के लोगों ने बिजली विभाग से 18 घंटे बिजली की मांग की थी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि इस मामले पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही गांव वालों ने कहा कि अगर बिजली विभाग जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं करता है तो 12 गांव की एक महापंचायत की जाएगी और बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आज यही मांग कर रहा था, हमारा गांव वापिस हो जाए कांदले, अन्य मेरी बिजली पूरी हो जाए 6 बजे तक, 6 बजे तक सुबह जो सारे इलाके में मिली उसी तरह हमें मिले। जो आप लोग मांग कर रहे हैं यदि पूरी नहीं की जाती, फिर पूरी नहीं की जाती तो उसके बाद हम नवा साल 2018 लगा जा रहा, 2-3 दिन रहे, इसके बाद हम 12 की पंचायत करेंगे, इसी के बाद मेरी 12 की पंचायत की बात नहीं मिली तो फिर 84 खाप की पंचायत करके हम अपना आंदोलन जो भी करना चाहोगे करना, मांग मांगेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये रात में बदमाश घूमे, पुलिस भी परेशान है, रात दिन यही अंधेरे का फायदा उठाया गया, पुलिस यहाँ आवे है, पुलिस भी परेशान, बदमाशों का वो है। अब आप क्या मांग चाह रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जितनी देहात वालों ने और आस पास के उन्हें मिले बिजली इतनी हमें मिल जानी चाहिए। आपने शिकायत भी की कभी? शिकायत भी करी, अधिकारियों तो भी करी, नेताजी तो भी कही एक दो बार, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? कोई नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ, इसीलिए पंचायत की, इसीलिए पंचायत की, और अगर नहीं समाधान होगा तो ये इसका आंदोलन भी करेंगे और अपनी मांगे पूरी करवाऊंगे। शामली से एक्सपोज इंडिया के लिए नासिर अली के साथ सिंपी राय की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।